I'm sharing my screen. So my screen is visible, right? यस सर। ठीक है। चलो हम लोगों ने ना जब से ग्लू शुरू किया है उसके बाद जो भी चीजें परफॉर्म की है हमने ना नोटपैड में लिखी नहीं है। ठीक है, व्हाट वी कैन डू इज विल राइट सर्टेन थिंग्स डाउन सो दैट यू विल गेट क्लैरिटी कि क्या क्या किया है हमने क्रॉलर में, क्या क्या किया है हमने ग्लू जॉब में। इट विल टेक सम टाइम बट इट विल प्रोवाइड यू अ क्लैरिटी। ठीक है, तो हम लोग वो करते हैं। आपको लग रहा होगा कि हम लोग सिर्फ क्रॉलर और ग्लू जॉब इसी में अटके हुए हैं, आगे की चीजें नहीं ले रहे, लेकिन ग्लू जॉब और क्रॉलर ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड योर डेटा कैटलॉग। ठीक है, ये ट्रिगर वर्क फ्लो नॉट वेरी मच यूजफुल। ठीक है, हम लोग ऑर्केस्ट्रेशन के लिए एयर फ्लो यूज करते हैं तो वर्क फ्लो का कुछ यूटिलिटी नहीं है क्योंकि वो ग्लू के ETL के लिए इंटरनली जो ट्रिगर्स है वही कर सकता है। ठीक है, तो वी डोंट यूज इट दैट मच, जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग वी लुक एट वर्क फ्लोस। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें है ना, क्रॉलर मतलब मेटा डेटा एज ए रिपोजिटरी सेव करना, डेटाबेस एंड टेबल के फॉर्म में उसको क्वेरी करना, यूटिलाइज इट इन योर ग्लू जॉब्स। उसके बाद हम स्पार्क स्क्रिप्ट एडिटर पे भी देखेंगे। ठीक है, वो कल देखेंगे हम, लेकिन आज के लिए हम क्या करते हैं, एक कस्टम क्लासिफायर का डेमो ले लेते हैं। ठीक है, आई आई हर्ड दैट देर इज सम इश्यू रिलेटेड टू वन डेट कॉलम दैट यू गाइज वर फेसिंग, उसमें अननोन आ रहा था, राइट? तो होता क्या है ना, जो बिल्ट इन क्लासीफायर्स है ग्लू के, नॉट नेसेसरीली वो सारी चीजें सारे फॉर्मेट सपोर्ट करता है। ठीक है, देर आर पर्टिकुलर डेट फॉर्मेट इट सपोर्ट्स एंड इट कैन क्रॉल, अदरवाइज दोज फॉर्मेट्स विच इट कैन नॉट क्रॉल इट इट प्रोवाइड्स अननोन एज अ ऑब्जेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो वो उसको एड्रेस करने के लिए हमको कस्टम क्लासिफायर प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, नॉट जस्ट दैट, बाकी अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड या डिफरेंटली स्ट्रक्चर्ड डेटा है विच यू थिंक दैट AWS ग्लू डज नॉट हैव अ क्लासीफायर फॉर, उसके लिए हमें कस्टम क्लासीफायर देना पड़ता है। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, क्रॉलर में क्या क्या चीजें देखी हमने वो सब चीजें जॉट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या देखा हमने क्रॉलर में, क्रॉलर में क्या होता है कोई बता सकता है क्या, याद है क्या? अदरवाइज वी कैन गो टू क्रॉलर, स्टार्ट क्रिएटिंग एंड राइट डाउन, दैट वुड बी हेल्पफुल, राइट? ठीक है, बस क्रॉलर ठीक है। तो इसमें नाम देना होता है, आगे क्या है, यस अ डेटा सोर्स, यू मेंशन अ डेटा सोर्स, और डेटा सोर्स कैन बी ये बताओ S3 JDBC और क्या था बताओ, डायनामो डीबी, डायनामो डीबी और रेडशिफ्ट, रेडशिफ्ट रेड शिफ्ट और RDS भी है क्या, मोंगो मोंगोडीबी भी है सर। डीबी? हाँ ठीक है, मतलब हम लोग वो करेंगे नहीं, मोंगो डीबी वगैरह। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा सोर्सेस। और नेक्स्ट क्या था, ओके आफ्टर चूजिंग डेटा सोर्स, हम अभी चूज कर ही लेते हैं। ठीक है, दो चीजें साथ में करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगी, राइट? क्योंकि काफी बार कर चुके हैं हम लोग ये चीजें, तो दिस शुड नॉट कंफ्यूज यू। ठीक है, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ ये देखो, पहले तो ये पार्टीशन है, पार्टीशन है कैसे समझ में आ रहा है हमें, ये देखो ये मेरा फोल्डर है और ये भी फोल्डर है, लेकिन कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या इसमें? डेट विल बी द डेट सेम वाइज, सर। डेट वाइज पार्टीशन। यस, लेकिन वहां पे ना आपकी जो सब डायरेक्टरी है ना उसकी इक्वल करके वैल्यू दी है, मतलब वो जो सब डायरेक्टरी है डेटा लोड उसके इक्वल टू करके एक पर्टिकुलर पार्टीशन की वैल्यू दी है। तो ये टाइप का जो डेफिनेशन है ना, ये आपका पार्टीशन डेफिनेशन है सब डायरेक्टरीज में। तो व्हेन यू राइट पाथ्स टू योर पार्टीशंस आल्सो इन फ्यूचर विल अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, कि आपको
जब पार्टीशन के पाथ भी देते हो ना, यू नीड टू प्रोवाइड इट इन दिस फॉर्मेट ओनली, ठीक है? व्हेन यू आर राइटिंग, ड्यूरिंग राइटिंग, व्हेन यू आर रीडिंग, देन यू विल प्रोवाइड ओनली डेटा लोड एज अ पाथ, ठीक है? ये चीज हम लोग आगे क्लैरिफाई करेंगे जब टाइम आएगा, ठीक है? हम लोग जब बोटो 3 से करेंगे ना ये सारी चीजें, तो उस टाइम करेंगे। बोटो 3 हम लोग एक एंड टू एंड वर्क फ्लो के लिए यूज करेंगे, सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अभी करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है? तो व्हेन विल डू वन एंड टू एंड डेमोन्स्ट्रेशन फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस, उसके टाइम पे फिर हम लोग बोटो 3 में सारी चीजें कवर करेंगे फॉर पर्टिकुलर ऑप्शंस, ठीक है? आई एम चूजिंग दिस लोकेशन, ठीक है? तो वी प्रोवाइड डेटा सोर्स। हाँ, डेटा सोर्स में क्या क्या ऑप्शन है? डिफरेंट डेटा सोर्सेस आर देयर। ओके, विल राइट इट डाउन। प्रोवाइड S3 पाथ फॉर फाइल्स टू क्रॉल, राइट? राइट, यस सर, यस। S3 पाथ ऑफ सब फोल्डर ना, ठीक है? और इसमें और कुछ चीज लिख सकते हैं हम लोग? नेम ऑफ टेबल गिवन इज सेम एज सब फोल्डर नेम, ये पॉइंट याद है हमें? और कोई, मैं कोई चीज भूल रहा हूं, और कोई याद है तो बताओ यहाँ पे लिखने के लिए? किसी को कोई चीज याद है इसमें? जैसे ये पॉइंट था नेम ऑफ टेबल, हमें कंफ्यूजन थी ना, फाइल नेम दिया जाता है या फिर सब फोल्डर का नेम दिया जाता है, तो ये उसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पे, दैट शुड नॉट, मतलब वो कंफ्यूजन रहने नहीं चाहिए आगे इसलिए। और उसके बाद क्या है, सब क्रॉलर, सबसिक्वेंट क्रॉलर रन्स के ऑप्शन है, ये भी लिख लेते हैं। इतना कुछ दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग लिख लेते हैं इसको भी। क्या क्या ऑप्शंस है वैसे आपके? क्रॉल ऑल सब फोल्डर्स, और क्रॉल न्यू सब फोल्डर्स, ठीक है? और तीसरा भी है इवेंट बेस्ड, तो आपको अगर पता है आता भी नहीं होगा परफॉर्म करना, नॉट एन इश्यू, क्योंकि हमारी इतनी यूज केस ही नहीं है उसके लिए, तो जब आपको जरूरत पड़ेगी यू विल फिगर इट आउट, ठीक है? देर आर ऑप्शन फॉर एक्सक्लूडिंग फाइल मैचिंग पैटर्न ऑल्सो, दिस पॉइंट ऑल्सो यू नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है? तो ये लिख के क्यों दे रहा हूँ, जस्ट टू जस्ट यू कैन रेफर टू दिस ऑप्शन, एंड वेदर यू नो दिस ऑप्शन और नॉट यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम दैट, ठीक है? तो दैट्स आई एम राइटिंग इट, अदरवाइज कोई यूज नहीं है इस चीज का। इफ यू आर नॉट रेफरिंग टू दिस नो, यू लेट मी नो, ठीक है? अगर ये यूजफुल नहीं हो रहा होगा, इफ इट इज कंज्यूमिंग आर टाइम, देन वी कैन स्किप दैट पार्ट। बट वॉट आई फील इज वेन वेन यू विल मूव टू नेक्स्ट सर्विस एंड यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग अबाउट द प्रीवियस सर्विस, दिस कैन बी अ माइंड मैप फॉर यू गाइज टू रिकलेक्ट वॉट यू हैव स्टडीड, ठीक है? दैट्स आई एम गिविंग इट। ओके, ठीक है? बाद में क्या है, कस्टम क्लासीफायर है, वो विल डू इट नाउ। हाँ, कस्टम क्लासिफायर्स, ठीक है? इसके बारे में मुझे आप बताओगे क्या लिखना है, क्या हो सकता है कस्टम क्लासिफायर? बोलो। प्रोवाइड बोलो बोलो बोलो, स्ट्रक्चर और स्कीमा डेफिनेशन ऑफ फाइल टू बी क्रॉल्ड, इसको लिखेंगे हम लोग जनरली यूज फॉर फाइल फॉर्मेट्स एंड डेफिनेशंस नॉट सपोर्टेड बाय
बिल्ट इन क्लासिफायर दो क्लू, राइट। ठीक है, और कुछ लिखना है इसमें? हम लोग पहले कर लेते हैं, उसके बाद कोई पॉइंट जनरेट होता है तो लिख लेंगे। ठीक है, तो अभी की जो फाइल है, फाइल दिखा दूं क्या मैं, कैसी है? तो हमारी पार्टीशन फाइल है एक पहले तो, और ठीक है अभी इसको देख लेते हैं पहले। इसमें ही आपको ऑप्शन मिलेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू राइट अब। ओके, तो ये क्या है, इसका नाम क्या देंगे हम? कस्टमर क्लासिफायर ना? यस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना आपके क्लासिफायर टाइप्स और प्रॉपर्टीज है। तो व्हाट आर दिस टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज? तो एक क्या है पता है क्या, ये दीज आर द फोर ऑप्शंस दैट आर देयर। ग्रॉक पैटर्न, ग्रॉक पैटर्न क्या है पता है क्या? तो जनरली फॉर पार्सिंग योर लॉग्स डेटा, तो ग्रॉक पैटर्न में हम लोग लॉग्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर के टैग्स होते हैं या फिर नेस्टेड फील्ड्स होते हैं, उसका पैटर्न प्रोवाइड करने के लिए ग्रॉक पैटर्न यूज करते हैं, ग्रॉक ऑप्शन। ठीक है, अभी की हमारी ऐसी कोई यूटिलिटी नहीं है, ये सिर्फ ऑप्शन आपको पता होना चाहिए कि देयर इज द ग्रॉक ऑप्शन विच इज यूज टू पार्स द अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट और सॉर्ट ऑफ लॉग्स डेटा। तो जनरली ग्रॉक आप सर्च करोगे चैट जीपीटी पे, तो आपको ग्रॉक पैटर्न पे एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि लॉग्स डेटा को अगर पार्स करना है तो आप ये यूज करोगे। अब भी तो हम ऐसे इसको यूज नहीं कर रहे। ठीक है, यू नो एक्सएमएल राइट? एक्सएमएल फाइल फॉर्मेट पता है आपको। जनरली एक्सएमएल डेटा क्या है, सोर्स क्या होता है एक्सएमएल डेटा का, किसी को पता है कुछ एक्सएमएल डेटा के बारे में? वेब स्क्रैपिंग नाम सुना है आपने, वेब स्क्रैपिंग डेटा। जो भी आपका डेटा वेबसाइट से आता है ना, मोस्टली वो यस एक्सएमएल फॉर्मेट्स में होता है, इन द फॉर्म ऑफ टैग्स एंड ऑल, एक्सएमएल टैग्स। ठीक है, जो वेब स्क्रैपिंग का, इफ देर इज अ सोर्स विच इज अ वेब स्क्रैपिंग सोर्स, इन दैट केस मोस्टली आप एक्सएमएल डेटा के साथ डील करते हो। ठीक है, और जेसन पता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेसन? जेसन का फुल फॉर्म नहीं पता है किसी को? जेसन जावास्क्रिप्ट क्या है? नोशिका यस, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन क्या है पता है ना आपको? व्हाट इज द हाउ हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ जेसन लुक्स लाइक, ये पता है हमें? कैसे यस सर दिखता है वो? कैन एनीवन की एक्सप्लेन? वैल्यू पेयर वैल्यू पेयर, डिक्शनरी, वैल्यू पेयर लाइक डिक्शनरी डिक्शनरी, राइट? वेरी सिमिलर टू डिक्शनरी। यस यस सर यस सर यस यस सर यस यस सर ठीक। हाँ, तो जेसन नॉर्मली हम मतलब वो की वैल्यू पेयर में नेस्टेड फील्ड्स जो होते हैं उसके लिए जेसन, वो टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम जेसन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यू कैन क्रिएट अ क्लासिफायर फॉर जेसन ऑल्सो। अभी की हमारी फाइल सीएसवी है। ठीक है, तो हम लोग सीएसवी के लिए बनाएंगे। सो देयर विल बी डिफरेंट ऑप्शन दैट यू नीड टू प्रोवाइड, लाइक इन जेसन यू विल हैव टू प्रोवाइड जेसन पाथ। जेसन पाथ क्यों प्रोवाइड करोगे आप? जेसन का स्ट्रक्चर कस्टम क्लासिफायर को प्रोवाइड करने के लिए। सो व्हाट टाइप ऑफ जेसन पाथ टू प्रोवाइड, यू नीड टू सर्च ऑन वेब ओनली, हमें हर बार पता नहीं रहता है। ठीक है, अदरवाइज यू कैन प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ योर फाइल, एंड इफ इट हैज नेस्टिंग रिकॉर्ड्स एंड यू वॉन्ट इट टू रीड ऑल द रिकॉर्ड्स, देयर इज सर्टन थिंग्स दैट आर गिवन इन डॉक्यूमेंटेशन विच आई हैव ऑल्सो रेड टूडे ओनली। आई हैवंट वर्क विथ जेसन एज सच, सो आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट जेसन। तो देखो यहाँ पे ना लिखा है, डॉक्यूमेंटेशन कितने लोग पढ़ रहे हो वैसे? टाइम मिल रहा है क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का? टाइम मिल रहा है क्या? आई डोंट थिंक टाइम मिल रहा है आपको, क्योंकि हम लोग काफी फास्ट मूव हो रहे हैं। लेकिन देखो एक बात अभी के लिए जान लो, हमें ना तीन सर्विसेज का डॉक्यूमेंटेशन सच में पढ़ना पड़ेगा टू बिल्ड अ कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग। लाइक कौन सी सर्विसेज हो सकती है, मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि ये तीन सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द बैकबोन ऑफ आर प्रोफाइल। कौन सी है सर्विसेज तीन? Yes. एसीटू कोई एक बोलो बोलो बोलो। ब्लू अथेना ईएमआर नॉट अथेना बट रेडशिफ्ट यस ब्लू, यस रेडशिफ्ट ऑल्सो, यस राइट।
तो ब्लू ईएमआर और रेड शिफ्ट ना, इन तीन चीजों का डॉक्यूमेंटेशन हमें पढ़ना है, ठीक है? हाउ टू रीड अ डॉक्यूमेंटेशन मैं बता दूंगा, लेकिन देखो मैं तो एक ओवरऑल आइडिया दे सकता हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ी चीज है, ठीक है? तो उसमें ना सिलेक्टिव रीडिंग करना बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन कब पढ़ना है? जब आपकी डेमोन्स्ट्रेशन और चीजें क्लियर हो जाती है, उसके बाद एक आपका स्ट्रक्चर ऑफ नोट्स बनता है, उसके बाद उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है। व्हाट इज द यूज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन? इफ यू रीड अ डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट व्हाट बेनिफिट्स यू कैन यील्ड, कोई बोल सकता है? हेलो यस बोलो। सर, यस एज पर आई गो टू एडब्ल्यूएस ब्लू डॉक्यूमेंटेशन, इज दैट लाइक अ रेफरेंस बुक? सो यस मेनी सो यस वो रेफरेंस बुक पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है? आपको मतलब कुछ आइडिया है कि हम लोग क्या चीजें सीख सकते हैं उससे? व्हाई आई एम सेइंग रीड डॉक्यूमेंटेशन फॉर पर्टिकुलर सर्विसेज, नॉट फॉर ऑल सर्विसेज। थोड़ा डीप में सर उसमें, और एग्जैक्टली, आपको ना बहुत सारे पर्टिकुलर्स मिलते हैं, या फिर जो भी कोई। जो कुछ बारीक बारीक उसमें रहता है ना, वो यस वहां पे बताया। यस यस निटिग्रिटी समझ में आती है हमें, माइन्यूट यस डिटेल समझ में आते हैं, सर, या फिर हमारा ना होराइजन काफी एक्सपैंड होता है। हम लोग एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोच सोच रहे होते हैं, लेकिन एक किसी चीज की यूटिलिटी में और दो तीन एप्लीकेशन मिल जाते हैं हमें डॉक्यूमेंटेशन से। इफ यू रीड डॉक्यूमेंटेशन ना, यू यू कैन जॉट डाउन सर्टेन पॉइंट्स, हाउ क्रॉलर्स कैन बी यूज्ड इन अ डिफरेंट वे, व्हाट आर अदर ऑप्शंस दैट हैवन्ट बीन टॉट इन क्लास बट आई कैन एक्सप्लोर, एंड इफ आई एम आस्क्ड इन इंटरव्यू और इफ आई नीड टू वर्क ऑन इट व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग फॉर अ कंपनी। तो हमें ना वैसे वे में जाना है, ठीक है? वो डिरेक्शन में जाना है, ग्रेजुअली बिल्ड करनी है अंडरस्टैंडिंग। पहले दिन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, तो एक बार कुछ सर्विसेस हो जाए, एक बार ग्लू खत्म हो जाए, आई कैन टेल यू हाउ टू रीड अ डॉक्यूमेंटेशन नाउ ऑल्सो, बट ग्लू के बाद एक एग्जॉस्टिव क्या क्या पढ़ना है मैं बता दूंगा, ठीक है? इसमें ये चीजें स्किप करो, ये चीजें करो, तो मैं बता दूंगा, उसका टेंशन मत लो। क्योंकि और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सिर्फ इन तीन चीजों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें हमें एक्सपर्टीज चाहिए, तो वी शुड नो सम निटी-ग्रिटीज ऑफ इट, ठीक है? तो कुछ अच्छी चीजें पता चलती है डॉक्यूमेंटेशन से, बट इफ यू हैव अ स्ट्रक्चर, आपके अगर नोट्स है, एक बेसिक बैकबोन बना है, इफ यू हैव फ्रेमवर्क वेयर यू कैन पुट इन एडिशनल पॉइंट्स, उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है? सो ट्राई टू रीड इट फॉर वॉट एवर टॉपिक्स यू हैव गॉट अ कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग अपॉन इन ग्लू ऑल्सो। इफ यू फील यू हैव परफॉर्म क्रॉलर्स इन अ गुड वे, यू कैन एंड यू हैव रिटन सर्टन नोट्स ऑल्सो, यू कैन एड इट यूजिंग डॉक्यूमेंटेशन एट सर्टन पॉइंट, ओके? तो ऐसे टाइप का ना जेसन पाथ प्रोवाइड होता है। इसका मीनिंग है कि क्लासिफायर इंटरोगेट्स ऑल 12 रिकॉर्ड्स इन द अरे टू डिटरमाइन द स्कीमा। तो क्या करता है, अभी ये आपका जेसन स्कीमा है समझो, ठीक है? ये जेसन स्कीमा है, तो वो क्या करता है, डॉलर ऑफ स्टार ऐसे प्रोवाइड करते हैं, तो वो जब क्रॉलर क्रॉल करता है ना, इट जस्ट डजंट गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड एंड डिटरमाइनेड स्ट्रक्चर, क्योंकि कोई इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। व्हाट इट डज इज गो इट गोज टू ऑल द रिकॉर्ड्स एंड कम अप विथ सर्टन होलिस्टिक स्ट्रक्चर, ठीक है? तो एक कॉमन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है, इफ देर इज अ डिस्क्रिपेंसी देर विल बी अननोन ऑब्जेक्ट दैट इज रिटन रिटन फॉर क्या बोल सकते हो, जो स्कीमा सिलेक्ट किया है वो अगर कंप्लाइंट नहीं है, तो इसमें अगर कोई और एक फील्ड आ गई है समझो, तो उसके लिए वो अननोन लिखता है उसके लिए, ठीक है? तो अभी के लिए तो इतना ही रखो उसके अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जेसन पाथ प्रोवाइड करना होगा ये आपको देखना पड़ेगा। फॉर ईच यूज केस यू विल हैव टू फिगर आउट व्हाट जेसन पाथ विल प्रोवाइड, ठीक है? ये आपको खुद को करना है। इफ आई गेट टाइम आई विल ऑल्सो टेल यू कि हम लोग एक बार क्लासिफायर बना के देख लेंगे बाद में, लेकिन ना अभी नहीं। हम लोग जब एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो विल ट्राई टू टेक जेसन एज अ सोर्स, ठीक है? सो दैट सी एस वी तो हमने नॉर्मल इसमें कर लिया है, विल ट्राई टू
take JSON as a source and perform end-to-end workflow. ठीक है, तो अभी के लिए हमारी फाइल सीएसवी है, तो सीएसवी में देखो ये सारी चीजें ऑप्शन है. सीएसवी सर्डे, सर्डे का मतलब पता है आपको, किसी को पता है सर्डे का? एंड डिसीरियलाइजेशन ना. सीरियलाइजर एंड डिसीरियलाइजर, राइट, एग्जैक्टली. सो देर आर टू सीरियलाइजर्स एंड डिसीरियलाइजर्स दैट आर देयर व्हाट ग्लू प्रोवाइड्स. ठीक है, लेजी सिंपल सर्डे में क्या होता है पता है क्या, कि इफ यू रीड अबाउट इट, नो नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट एट दिस मोमेंट, बट द वर्ड लेजी इससे समझ में आना चाहिए हमें कि जब ये आपका क्या बोलते हो स्कीमा रीड करता है ना, व्हाट टू से कैसे बताऊं मैं, ओके लेट्स चूज दिस ऑप्शन एंड एक्सप्लेन दिस थिंग. इफ आई रिमेम्बर सर्टेन डिफरेंस आई विल टेल. ठीक है, मुझे अभी वो आर्टिकुलेट करना नहीं आ रहा. ओके, तो ओपन सीएसवी सर्डे में ये सारे ऑप्शन है आपके. ठीक है, एक बार हम लोग चैट जीपीटी पे देख लेते हैं. सो आई विल ऑल्सो रिमेम्बर सर्टेन पॉइंट. ओपन सीएसवी सर्डे वर्सेस लेजी सिंपल डिफरेंसेस. ठीक है, यस, तो लेजी इवोल्यूशन पता है क्या सबको? यस सर, यस यस सर. लेजी इवोल्यूशन क्या होता है? अंटिल द अंटिल एक्शन इज डन ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा, ट्रांसफॉर्मेशंस विल नॉट बी यस, शोन. ट्रांसफॉर्मेशंस आर लेजीली इवैल्यूएटेड डिपेंडिंग ऑन एक्शन कॉल्ड, राइट? यस सर, यस. तो इसमें भी ना आपका जो भी सॉर्ट ऑफ क्या बोल सकते हो स्कीमा रीड होता है ना, तो वो तब तक स्कीमा डिटरमाइन नहीं करता है जब तक उसको रिजल्ट में जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, तो व्हाट इट मींस वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट डिटेल. ठीक है, किसी ने पूछा है तो ये सारी सिंपल चीजें बोल सकते हो, ऐसे कोई पूछेगा नहीं, ये हमारे आउट ऑफ द सिलेबस है. ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमने हाइव तो किया नहीं है, तो हाइव में ये सर्डे वगैरह का पार्ट आता है. व्हेनेवर यू नीड इट यू विल बिल्ट अपॉन सर्टेन अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, ये भी कुछ दे नहीं रहा है हमें. गिव सम पेक्यूलियर पॉइंट्स. सर के ऊपर से जाएंगे शायद हमें. सो अननेसेसरी मेमोरी लग. ओके, हमें अभी तो समझ में नहीं आ रहा है. इफ आई नीड इट नो आई लेट यू नो. ठीक है, तो हम मैं थोड़ा पढ़ के उसके बारे में बता दूंगा आपको नेक्स्ट सेशन, याद दिलाना मुझे. कहाँ थे हम लोग? अभी तो क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, उसमें ड्वेल करने की हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है. अभी के लिए कुछ भी ऑप्शन रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नन रखते हैं हम. कॉलम डिलिमिटर कॉमा है अभी के लिए, हमारी फाइल में भी कॉमा ही है. मस्ट बी सिंगल कैरेक्टर, हाँ. हाउ यूर कैरेक्टर्स आर डिफाइंड इन डबल कोट, डिपेंडिंग ऑन योर डेटा यू विल चूज दिस थिंग्स. ठीक है, मैं अपने डेटा के हिसाब से अभी चूज कर रहा हूँ. तो ये ऑप्शन है कॉलम डिटेक्ट हेडिंग्स का. ठीक है, हमें ये पॉइंट्स लिखने भी है ना, क्लासिफायर टाइप एंड प्रॉपर्टीज. व्हाट आर द टाइप्स दैट इट प्रोवाइड्स, क्या क्या है? ग्रॉक, एक्सएमएल, JSON, CSV rate, और क्या है? ओके,
सीएसयू सर्टे के बारे में हम लोग देख लेंगे बाद में। सीएसयू सर्टे कौन से है? ओपन सीएसवी एंड लेजी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? डिलिमिनेटर, डिलिमिटर राइट, कॉलम डिलिमिटर ऑल्सो प्रोवाइड। सो दैट इज द नेक्स्ट ऑप्शन दैट यू प्रोवाइड। और क्या है? कोट सिंबल, कॉलम हेडिंग्स। ये कॉलम हेडिंग्स क्या है देखते हैं। सो कॉलम हेडिंग्स में देखो, इफ यू वांट योर क्लासिफायर टू डिटेक्ट हेडिंग्स फ्रॉम द डेटा इटसेल्फ, इफ यू हैव हेडर एंड ऑल, यू कैन आस्क इट टू डिटेक्ट द हेडिंग्स, ठीक है। इफ यू वांट टू प्रोवाइड सर्टेन हेडिंग्स, देन यू नीड टू प्रोवाइड अ कॉमा कॉमा डिलिमिटेड लिस्ट, ठीक है। इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास छह कॉलम है तो यू नीड टू प्रोवाइड द नेम्स ऑफ द कॉलम इन द ऑर्डर इन विच इट इज डिफाइंड इन द फाइल, ठीक है। तो ये कॉमा डिलिमिटेड लिस्ट हमें यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है इफ यू वॉन्ट टू प्रोवाइड यूर ओन कस्टम स्कीमा, एंड यू कैन प्रोवाइड ऑल्सो कस्टम डेटा टाइप्स टू इट इफ यू आर यूजिंग हैज हेडिंग्स, नो। तो इट इज बेटर टू प्रोवाइड अ कॉमा डिलिमिटेड लिस्ट ऑफ ऑल द कॉलम नेम्स एंड एसोसिएटेड डेटा टाइप्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी रेड इट एज, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए ये जनरली प्रोवाइड करते हैं सो दैट इट कैन मैप इट डायरेक्टली, ठीक है। बट ये ऑप्शनल चीज है, नॉट नेसेसरी, ठीक है। इफ यू डोंट वॉन्ट टू गिव एनी हेडिंग्स, दैट इज ऑल्सो ओके। अभी के लिए तो हम लोग डिटेक्ट हेडिंग्स कर लेते हैं, ठीक है। कस्टम डेटा टाइप नहीं दे रहे, इट इट विल बी एबल टू रीड इट, ठीक है। तो इफ देखो, और अभी जो इश्यू हुआ था कि अननोन कभी कभी आता है डेट कॉलम में, तो हमें उस टाइम पे ना कस्टम डेटा टाइप प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इफ यू आर फेसिंग एनी इश्यू लाइक दैट, यू शुड प्रोवाइड कस्टम डेटा टाइप्स एंड ट्राई इट अगेन। हेलो सर, यस बोलो। In the CSV file, if it doesn't, it is not having header. So in the column headings, we'll select the no option, na? Yesterday, I think someone also asked for this. हाँ तो इस केस हाँ वही पेशन हाँ वही अगर उसमें हेडर नहीं है तो प्रोवाइड करोगे आप? ओके यस राइट करेक्ट करेक्ट If it doesn't have header and you want to impose certain headers, no, you will provide the comma delimited list and also data types, right? And it has headings, but you want to override those headings, then you can do this. समझ में आया? Yes, sir. Yes. और detect heading मतलब वो directly कुछ detect कर लेगा, ठीक है? चलो लेट्स क्रिएट दिस कस्टम क्लासिफायर और सीएसवी फाइल। ओके, वी यूज दिस कस्टम क्लासिफायर हियर। तो एक और बात, पिक्यूलियर बात है इसमें, यू कैन प्रोवाइड एज मेनी कस्टम क्लासिफायर एज यू वांट। अभी ये कैसे होगा देखो, यहाँ पे ना अभी मैंने एक कस्टम क्लासिफायर दिया है। I can provide one more custom classifier, which has with where I am providing headings, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये point अच्छे से याद रखो, I found it very interesting also, कि ये छोड़ो, can provide multiple कस्टम क्लासिफायर्स क्लासिफायर्स क्रॉलर यूजेस क्रॉलर रेफर्स टू ऑल एंड कम्स अप विथ बेस्ट ऑप्शन।
तो ये क्या करता है पता है क्या, इसमें एक डॉक्यूमेंटेशन में एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, अच्छा पॉइंट था वो, कहा था, ये सर्टेनिटी करके एक ऑप्शन है, ठीक है। व्हाट इट डज इज, तो अगर आप मल्टीपल क्लासिफायर्स प्रोवाइड कर तो उसमें ना वो सारे क्लासिफायर्स एक बार देख लेता है, इट पासिस थ्रू ऑल द क्लासिफायर्स, और एक इसका सर्टेनिटी पैरामीटर है। व्हाट डज इट मीन, हाईएस्ट सर्टेनिटी मतलब क्या होगा, यहाँ पे दिया है रुको, यस देखो, 100% सर्टन दैट इट कैन क्रिएट अ करेक्ट स्कीमा। तो इट क्रॉलर मतलब ग्लू का जो इंजिन है दैट हैज सर्टन इनबिल्ट एल्गोरिदम्स टू अंडरस्टैंड विच क्लासिफायर इज द बेस्ट वन, एंड इट चूजेस दैट एंड प्रोवाइड्स, हाउ इट चूजेस, इट प्रोवाइड्स द सर्टेनिटी रेटिंग टू इट। तो अगर जिसका सबसे ज्यादा है क्लोजेस्ट चांस ऑफ गिविंग करेक्ट स्कीमा है, इट चूजेस दैट ऑप्शन, ठीक है। दैट इज द पॉइंट आई वॉन्ट यू टू रिमेम्बर, ठीक है। तो इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट सर्टन क्लासीफायर दैट यू यू आर प्रोवाइडिंग, ठीक है, पता नहीं है कैसे टाइप का डेटा आ रहा है, हर बार फाइल आ रही है और उसमें काफी वेरिएशंस आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यू कैन प्रोवाइड मल्टीपल कस्टम क्लासीफायर्स एंड इट विल चूज बेस्ट कस्टम क्लासीफायर डिपेंडिंग ऑन अ सिचुएशन और व्हेन इट रीड्स अ फाइल, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ना एक सर्टेनिटी सर्टेनिटी क्या था वो, इजी क्लास सर्टेनिटी पैरामीटर ही है ना वो, क्या क्या बोल सकते हैं उसको, ओके सर्टेनिटी वैल्यू, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो डिटरमाइन करता है। तो कस्टम क्लासिफायर हम लोगों ने अभी तो एक ही दे दिया है, ठीक है, विल मूव अहेड विद दिस वन। और कस्टम क्लासिफायर में कोई टाइप ये मिस हो गया है क्या, कोई पॉइंट हाँ, ये पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, ही अच्छा दिया है, क्लासिफायर क्रिएट द स्कीमा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्ट टाइप ऑब्जेक्ट दैट मैचेस द डेटा फॉर्मेट, यस दिस इज गुड फॉर पॉइंट, हमारे पॉइंट से अच्छा है, हमने ऐसे लिखा था ना। ठीक है, चलो, दीज आर द पॉइंट इन कस्टम क्लासिफायर, वी हैव चोजन वन, विल गो नेक्स्ट। आई एम रोल विच वी क्रिएटेड अर्लियर, लेट्स गो टू नेक्स्ट, चूजिंग अ डेटाबेस, कस्टमर डेटाबेस में हम लोग कर सकते हैं, चलो नया कर लेते हैं, ठीक है, कस्टमर डेटाबेस में कुछ है क्या, देखना पड़ेगा, हाँ ठीक है, तो वील राइट इट इन कस्टमर डेटाबेस ओनली, इफ वी वॉन्ट टू प्रोवाइड प्रिफिक्स वी कैन डू दैट ऑल्सो, राइट, ये तो आपको अभी पता ही हो गई होगी चीजें। शेड्यूल भी ऑन डिमांड ही रखते हैं, किसी ने शेड्यूल ट्राई किया कल, हो रहा है क्या ट्रिगर टाइम पे, समृद्ध का हुआ था, बाकी लोगों का हो रहा है क्या, बोलो, अरे नहीं दिखाने बोलूंगा यार, बोलो बस, यस सर, हुआ था। हुआ था ना, हाँ सर, हैंड रेस करो जिनका जिनका हुआ था बस, आई जस्ट वांट टू नो कि हो रहा है, नहीं पूछूंगा मैं, शेयर नहीं करने बोलूंगा, स्क्रीन टेंशन होता है, बाकी लोगों ने करके ही नहीं देखा या हुआ नहीं, कितना टाइम लगता है वैसे नॉर्मल शेड्यूल के बाद, थोड़ा टाइम लेता है क्या वो ट्रिगर होने में, सर 3 to 4 मिनट लगा था मेरा। 3 to 4 मिनट, ओके, बाकी सर लोग,
अरे बोलो, बाकी जिन्होंने हैंड रेस किया है कितना टाइम लगा था बता सकते हो क्या? सो दैट विल हैव सर्टेन अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, हम लोग AWS से सपोर्ट टिकट रेस करके इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, अरे बाकी लोग बोलो यार, जिन्होंने हैंड रेस किया वो तो बोलो एटलीस्ट. शुभम बोलो कितना टाइम लगा था? सर 5 मिनट लगा था सर। 5 मिनट? क्या? ओके, यस कुणाल. सर। सर दो 2 to 3 मिनट्स। 2 to 3 मिनट्स ऑटोमेटिक ट्रिगर हुआ है ना? यस 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 ठीक है ठीक है. वी डोंट नो कि ये इसका बेसिस क्या है, मतलब किसी को 5 मिनट लग रहा है, किसी को 4 मिनट लग रहा है. उस दिन समृद्ध ने दिखाया था तो उसका 1 मिनट 7 8 सेकंड में हुआ था ट्रिगर. ठीक है, मैंने 30 सेकंड 40 सेकंड तक वेट किया, मेरा नहीं हुआ था. वी डोंट नो व्हाट वेरिएशंस इज, बट देर आर डेफिनेटली मेनी पैरामीटर्स दैट गोज बिहाइंड व्हेन इट इज ट्रिगरिंग सर्टन थिंग्स. लाइक राइट, मैंने आपको एक लॉग्स का एग्जाम्पल भी दिया था मेरे सिचुएशन कि लॉग्स आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. तो सो ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट में भी ये जो ट्रिगर का जो सॉरी शेड्यूल का जो भी इश्यूज है, अब भी हमारे पर्सनल अकाउंट्स में वी माइट नॉट फेस इट इन ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट. वहां पे सपोर्ट अच्छा रहता है. ठीक है, इफ दिस टाइप ऑफ इश्यूज परसिस्ट एंड इफ इट इज कॉजिंग एनी मेजर इश्यूज रिलेटेड टू योर SLA और योर पाइपलाइन ट्रिगरिंग, तो आप AWS सपोर्ट का टिकट रेस कर सकते हो एंड लेट देम नो कि दिस डिले ऑफ 3 4 मिनट इज वेरी सब्सटेंशियल इन माई पाइपलाइन एंड सो आई नीड अ सोल्यूशन और अ वर्क अराउंड टू डील विद दैट. तो वो लोग प्रोवाइड करते हैं फिर, देर आर सर्टन ऑप्शन दैट दैट दे प्रोवाइड. मैंने बोला था लॉग्स के लिए उन्होंने ऐप प्रेशर करके एक कमांड बोली थी, तो हमारी जो इंफ्रा टीम है उन्होंने वो किया कॉन्फिगर. तो कुछ ना कुछ चीजें इम्प्रूव होती है उनके सोल्यूशन से. ठीक है, सो अभी के लेवल पे हमें इतना जानने की जरूरत नहीं है कि टाइम क्यों लगता है शेड्यूल पे, एग्जैक्ट टाइम पे क्यों नहीं होता है. ऑफ कोर्स एग्जैक्ट टाइम पे नहीं होगा क्योंकि उसकी भी तो प्रोसेस रहेगी ना. शेड्यूल के टाइम पे वो ट्रिगर होने के बाद भी इनिशिएशन के लिए भी टाइम लगता है, बट वी डोंट नो हाउ मच टाइम इट टेक्स एंड ऑल. तो इफ एनी ऑफ यू इज क्यूरियस, दे कैन रेज अ सपोर्ट टिकट एंड आस्क देम अबाउट इट. यू विल गेट टू नो मेनी मोर थिंग्स ऑल्सो फ्रॉम दैट. ठीक है, तो इफ यू वॉन्ट यू कैन डू दैट. चलो नेक्स्ट. हाँ, कस्टमर डेटाबेस हो गया, क्रॉलर शेड्यूल ऑन डिमांड करते हैं अभी के लिए हम. यस ठीक है, वी आर रेडी टू क्रिएट अवर क्रॉलर. अभी के पॉइंट्स लिखे नहीं यार हमने, क्या क्या थे अभी कस्टम क्लासिफायर के बाद क्या था? आप भी याद नहीं दिलाते हो. आई एम रूम यस, वी प्रोवाइड IAM रोल. क्यों प्रोवाइड करते हैं हम IAM रोल? टू गिव टू यस एक्सेस द फंक्शनलिटी ऑफ अनदर सर्विस। यस एक्सेस टू ग्लू. टू प्रोवाइड देख सकते हैं यार, बताओ बताओ, ये आर्टिकुलेट नहीं हो रहा है मुझसे. टू गिव एक्सेस टू ग्लू, एक्सेस ऑफ We are अदर सर्विस. giving access of S3 service to the यस, AWS Glue crawler. अदर सर्विसेस. यस राइट, लाइक S3 टू ग्लू क्रॉलर. राइट, और नेक्स्ट क्या था? डेटाबेस ऐड किया था। ओके, टारगेट डेटाबेस. राइट, इसको लिखने की जरूरत है क्या हमें? लिख सकते हैं वैसे, लेकिन बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हमने देखा है. उसके बाद क्या था? तो शेड्यूल. टेबल नेम राइट, प्रीफिक्स वगैरह मैक्सिमम टेबल का शो हाँ, करो। टेबल नेम प्रीफिक्स ये आपको पता ही है, मैं लिखूंगा नहीं इसके बारे में, यू विल राइट इट डाउन. ठीक है, तो टेबल नेम प्रीफिक्स हो गया, मैक्सिमम कुछ तो आ गया, मैक्सिमम टेबल थ्रेशोल्ड मैक्सिमम टेबल थ्रेश हो गया. इसके बारे में बताया हमें क्या है? ये पता है क्या सबको? पता है, लिखना है.
नहीं सर, ठीक है, ओके पता ठीक है चलो. इफ यू वांट मी टू राइट आई कैन डू दैट. सबको पता है ना? है। यस सर। ठीक है चलो. नेक्स्ट था शेड्यूल, राइट? शेड्यूल में क्या ऑप्शन थे हमारे पास? ऑन डिमांड, और नेक्स्ट ऑप्शन था वो, ठीक है, आर्ली वगैरह, टाइम बेस्ड ऑप्शन ऐसे लिखते हैं हम लोग, टाइम बेस्ड ऑप्शन और कस्टम, कस्टम कस्टम स्केड्यूल. ठीक है, कस्टम स्केड्यूल इन द फॉर्म ऑफ क्रॉन एक्सप्रेशन. ठीक है, यही था अब तक. और कोई मिस हुआ है मेरे से पॉइंट बता दो. नहीं सर, इतना ही था। ठीक है ओके. अरे यार क्रॉलर स्टार्ट कर देना चाहिए था. ठीक है, क्रॉलर के रिलेटेड पॉइंट्स ठीक ठाक हुए हमारे जनरेट. नेक्स्ट होगा हमारा ग्लू जॉब. टेबल चेंजेस बाय टेबल चेंजेस. ओके याद रखो, वन टेबल चेंज एंड टू पार्टीशन चेंजेस. ठीक है, तो हमारे पार्टीशन ऐड हो गए. ठीक है, तो वेर आई कैन सी दिस चेंजेस इफ आई वांट टू सी वेदर क्रॉलर हैज डन प्रॉपरली और नॉट. डेटाबेसेस में यस, डेटाबेसेस में कस्टमर डेटाबेस चूज किया था, आ गई है हमारी फाइल. इफ आई वांट टू चेक इट स्कीमा आई कैन गो इट हियर एंड चेक. ठीक है, तो इफ यू वांट टू सी पार्टीशन, यस, डेटा लोड इज योर पार्टीशन. ठीक है, ये डेटा लोड आपका पार्टीशन कॉलम है और उसकी पार्टीशन वैल्यू. ठीक है, यू यू कैन व्यू द फाइल्स फ्रॉम हियर. ओके, या हियर यू कैन सी द ऑल द कॉलम्स, मतलब स्कीमा, और उस स्कीमा में आपका पार्टीशन कॉलम भी एडेड है एंड दिस इज योर आइडेंटिफायर दैट दिस इज अ पार्टीशन कॉलम. ठीक है, सो डू वी नीड टू क्रॉल इट इन, डू वी नीड टू, चलो एक प्रीव्यू तो देख ही लेते हैं हुआ है या नहीं. यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है, हमारा जो टेबल है ना वो पार्टीशन है. ठीक है, फ्रॉम हियर यू कैन अंडरस्टैंड, विल राइट जस्ट प्रीव्यू टेबल, लेट्स सी, या वी आर एबल टू फेच द डेटा. ठीक है, तो आप एक देख लेना, कभी भी ना आप कोई भी चीजें फेच करोगे, कोई भी एच डी एफ एस से हो, ई एम आर एफ एस से हो, ऑल दो वो वहां पे सब डायरेक्टरीज के फॉर्मेट में स्टोर होती है, लेकिन जब क्रॉल करते हो इट इज रेड एज अ कॉलम इन योर सॉर्ट ऑफ, क्या बोल सकते हो, जो भी एज अ डेटा फ्रेम रीड करते हो उसमें एज अ कॉलम रीड होता है. वो डेटा लोड वहां पे सब डायरेक्टरी थी, राइट? ये तो पता है ना हमें. यहाँ पे अंदर की फाइल में आप देखोगे इसके डेटा लोड नाम का कोई कॉलम नहीं रहेगा. ठीक है, ये समझ में आ रहा है हमें? यस ठीक है, हाँ चलो. तो पार्टीशन पार्टीशन डेटा भी रीड हो गया है हमारा और कस्टम क्लासिफायर भी अप्लाई हो गया. ठीक है, सो दिस वाज द थिंग आई वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट, आई थिंक. और आज हम लोग ना एक बार कनेक्शन देते, ये चीजें क्लियर हो गई अभी, क्रॉलर रिलेटेड और विजुअल ग्लू जॉब रिलेटेड चीजें.
Do you want me to create one more visual glue job and show you what are the options? यस करना है क्या? कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमने दो बार किया है. पहली बार हमने ट्रांसफॉर्म स्कीमा किया है उससे, और सिक्वल क्वेरी की है. एक बार देखो, आप एक बार कर लो सारी चीजें, उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है ना, इन टेक 3 डेज. हम लोग सैटरडे संडे को भी, अगर स्पार्क स्क्रिप्ट एडिटर भी होने के बाद ना, अगर दोनों चीजों को कंबाइन करके एक बार करके देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन. आई डोंट वॉन्ट टू डू इट अगेन, क्योंकि हमने दो बार किया है. देखो, कस्टमर्स की बात कन्वर्जन का, और ट्रैफिक ट्रांसफॉर्म भी किया था हमने. ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू परफॉर्म द सेम एक्टिविटी अगेन, बट इफ यू इंसिस्ट आई कैन डू दैट. ठीक है, क्योंकि विजुअल से फिर से क्यों करना है, सेम ही ऑप्शन है राइट उसमें. बोलो. चलो, इफ यू वॉन्ट मी टू परफॉर्म इट अगेन तो हैंड रेज करो बस. आई कैन डू दैट. अभी मतलब ऐसा मत सोचो कि मैं पूछूंगा कुछ, नहीं नहीं अगर मेजोरिटी ऑफ लोगों को लगता है कि परफॉर्म करना चाहिए इसको एक बार और, तो विल डू इट. इन नेक्स्ट 2-3 मिनट्स, 2 मिनट्स जितने लोग हैंड रेस करते हैं उसका काउंट होगा. गाइस, आप बहुत कम लोग हो, ठीक है. अभी तो आप अभी एक बार प्रैक्टिस करके देखो आपके एंड से. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि मैं ये वाली फाइल भी सेंड कर दूं क्या आपको, कस्टमर सीएसवी, ऐसे जैसे तो बहुत फाइल मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन. ठीक है, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन. अगर कोई इशू आता है ना विजुअल से, तो लेट मी नो, वी कैन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, तो अभी के लिए तो बहुत कम लोग हो यार, बाकी लोगों को नहीं चाहिए तो मतलब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं चीजों से. ठीक है, जस्ट ट्राई इट ऑन योर ओन वंस. ठीक है, अगर नहीं होता है स्टिल, जब हम स्पार्क स्क्रिप्ट एडिटर पे आएंगे ना, उस टाइम पे मैं एक बार विजुअल से करके दिखा दूंगा, चलेगा? ठीक है, यस सर. चलो. ठीक है, तो और हाँ ठीक है, तो ये मैं अगर क्रॉलर का आउटपुट, मतलब आपको चाहिए कि ये फाइल चाहिए क्या, फोल्डर सेंड करना है क्या, डेटा लोड का और कस्टमर्स टेबल का, ऐसे कुछ चाहिए आपको? ठीक है, आई विल शेयर इट आफ्टर द क्लास. आई विल जिप इट, जिप दैट फोल्डर एंड शेयर इट ऑन द ग्रुप. ठीक है, जस्ट क्रॉल दैट एंड क्रिएट अ ग्लू जॉब. ठीक है, तो उस पे चीजें परफॉर्म करके देखो यूजिंग विजुअल ऑप्शन. अभी के लिए स्पार्क स्क्रिप्ट एडिटर में जाने की जरूरत नहीं है. विल अंडरस्टैंड द कोड फर्स्ट, उसके बाद, क्योंकि मेरे पास है इसके प्री रिटन कोड. ठीक है, लाइक दिस वन आई नो 75 जॉब, मुझे पता है कि इसकी स्क्रिप्ट रिटर्न है. इफ यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन इट नाउ ओनली आई कैन डू दैट, बट वॉट विल डू इज विल ब्रेक इट डाउन वंस कि कैसे स्क्रिप्ट में क्या क्या होता है, ग्लू 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 कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, बाद में ये गेट रिजॉल्व ऑप्शन क्या होते हैं, सब उसको ब्रेक डाउन करके हम लोग लेंगे. ठीक है, वी डोंट वॉन्ट टू हरी. ठीक है, क्योंकि ये चीज ना, ग्लू आपको लग रहा होगा कि बाकी सर्विसेज के हिसाब से हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए स्लो चल रहे हैं हम लोग. ठीक है, आई वॉन्ट यू टू हैव सर्टन क्लैरिटी इन द क्लास. बाकी सर्विसेज के लिए आप कर लोगे, नॉट एन इश्यू. अगर नहीं भी आता है ना उतना डेप्थ, उसमें फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, लेकिन हियर वी वॉन्ट दैट डेप्थ, एंड आई वॉन्ट यू टू वेल डीपर इन टू दिस ऑप्शन. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, हमारे पास स्क्रिप्ट है अवेलेबल, हमारे पास डेटा है अवेलेबल, विल ट्राई यूजिंग द स्क्रिप्ट ऑल्सो. ठीक है, यस. तो नेक्स्ट, आज के लिए ना मुझे कनेक्शंस कवर करना था. ठीक है, यहाँ पे देखो.
So what all things we have covered in these options, if you see, in data catalog, we know what databases are, we know what are tables, stream schema registry, हमारे scope के थोड़े बाहर है, तो हम streaming database काम नहीं करने वाले, और we don't need to store a schema in the form of registries as such, ठीक है, schema evolution जब हम लोग देखेंगे ना आगे, schema evolution में मैं बताऊंगा कि registries का कुछ role होता है क्या नहीं, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे redshift के time पे, almost redshift जब शुरू होगा तब देखेंगे, तो अभी के लिए stream schema registry भूल जाओ, it doesn't hold much significance for batch processing as such, क्योंकि हमारे पास data catalog है, which can remember your metadata, and it provides opportunity of schema evolution also, ठीक है, हम देखेंगे आगे, then the point is connections, which we'll cover now, ठीक है, then this crawlers and classifier, we have covered this point, ठीक है, catalog setting अभी के लिए छोड़ दो, data integration and ETL, इसमें क्या किया है हमने, ETL job में visual ETL cover किया है, did we have look at notebooks, no ना, notebooks नहीं देखा हमने ना, हाँ नहीं देखा, notebooks, मतलब Jupyter notebook अगर नहीं देखा हमने, या फिर Spark script editor नहीं देखा, सिर्फ visual देखा है, we know this option right, job run monitoring, what is this option, what you can see from here, running jobs, we can running share. Status, yes. Running status of the jobs, and you can also see what, how many jobs you have run, and how, what was the success rate, what jobs have failed, wo theek hai, aapko DPOs bhi dikha raha hai, kitne DPOs kharch hue hai aapke, theek hai, you will get certain details, job type breakdown and all, मतलब आपको पता रहेगा कि मैं ये चीजें यूज कर रहा हूँ, पाइथन 6 स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ, या फिर रे एडिटर यूज कर रहा हूँ, विजुअल ग्लू ईटीएल यूज कर रहा हूँ, ऐसी चीजें पता रहेगी आपको, इट डजंट हेल्प वेरी मच टू बी ऑनेस्ट, कोई देखता नहीं है इतना है। किसी को अगर पर्टिकुलर यूज केस होंगी वही देखेगा ये सब, क्योंकि ना जब मॉनिटरिंग के लिए ना हम लोग ये सर्विसेज ऐसे यूज नहीं करते, ये कंसोल बेस्ड सर्विसेज, if we want to monitor certain things of our ETL now, what we do is we configure certain monitoring tools, like in my organization we are using Datadog, okay, there are different monitoring tools like Grafana bhi ek monitoring tool hai, hum log aage dekhenge, matlab I'll let you know about these tools, we are not going to cover those in class because that is beyond our scope, okay, so these are the tools for मॉनिटरिंग योर ETL पाइपलाइन, ये समझ में आ रहा है, लिख के रख लो कहीं पे, ग्राफेना और डेटाडॉग, डेटाडॉग रिसेंटली इज गेटिंग वेरी पॉपुलर, ठीक है, ग्राफेना एक है और डेटाडॉग है, लिख लिया आपने, ठीक है, जस्ट आपको जब एंड में आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी तब आपको रियलाइज होगा, अरे यार एयर फ्लो मॉनिटरिंग तो हम लोग सिर्फ एयर फ्लो यूआई से नहीं कर सकते, तो वी नीड टू कॉन्फिगर सर्टन एक्सटर्नल टूल्स और एक्सटर्नल कनेक्शंस, तो उसके लिए ऐसी चीजें आपको, अगर इफ यू नो देन यू यू कैन टेल इन द इंटरव्यूज ऑल्सो की आई नो अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है, तो डेटाडॉग और ग्राफेना दो है, ठीक है, तो जो आपके विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होते हैं ना डैशबोर्ड, इन द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड फॉर योर मॉनिटरिंग ऑफ योर ईटीएल पाइपलाइन, हम लोग वैसे एक्सटर्नल टूल्स पे रिलाई करते हैं रादर देन कंसोल बेस्ड चीजें, ठीक है, हम लोग हर बार किसी और चीज में किसी और ऑप्शन में नेविगेट करके चीजें नहीं देख सकते, ठीक है, एंड दीज आर नॉट वेरी मच स्ट्रक्चर्ड ऑल्सो, इसेंशियली बहुत ज्यादा इनपुट्स भी नहीं देता है ये जॉब रन टाइमलाइन एंड ऑल, ठीक है, तो कस्टमाइजेशन बहुत अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो हम लोग, मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन अभी ये मॉनिटरिंग में चीजें दिखी इसलिए मैंने बता दी बस, ठीक है, हियर यू कैन सी योर जॉब्स, किसी को अपने सर के ऊपर गई होगी ये चीज, भूल जाओ, ऐसी कोई चीज मैंने बोली ही नहीं है अभी, ऐसे सोचो, ठीक है, ये बाद में बता दूंगा, ठीक है, तो जॉब रन मॉनिटरिंग हो गया, इंटरेक्टिव सेशंस ये छोड़ दो ऑप्शन, और मतलब ये क्या है, आप जब नोटबुक क्रिएट करोगे ना तो आपके जो भी सेशंस होंगे
यू विल बी एबल टू सी योर सेशन हिस्ट्री हियर, जस्ट नोटबुक्स की इतना ही है। एक क्यू सेपरेट ऑप्शन देते हैं इनका, इनको भी समझ में आए। तो डेटा क्लासिफिकेशन टूल्स अब भी हमारे बियॉन्ड स्कोप है। इफ आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो अबाउट इट टू बी ऑनेस्ट, सेंसिटिव डेटा मैचिंग एंड रिकॉर्ड मैचिंग। इफ आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग आई विल टेक सम टाइम इन रीडिंग अबाउट इट। इफ आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग इन आर पीटीएल देन वील कवर, ठीक है, क्योंकि ये पता नहीं है क्या ऑप्शन है, कुछ दिखता है क्या देखता हूँ। Interesting. Let's see, मैं एक थोड़ा टाइम लेके ना इसको देख लेता हूँ, और इसका कोई यूज केस बना सकते हैं क्या, जिसका डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं हम लोग जो चीज, वो देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद ही इसको कवर करेंगे। रिकॉर्ड मैचिंग में क्या है? हाँ, दिस इज बीइंग यूज फॉर एमएल ट्रांसफॉर्म्स एंड ऑल। तो हमारे तो बियॉन्ड स्कोप है, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट सी एनी यूटिलिटी इन आर केस, बट आई विल स्टिल गो थ्रू इट फॉर डेटा क्लासिफिकेशन, एंड इफ वी फाइंड इट यूजफुल देन वील कवर इट, ठीक है। ट्रिगर्स, ट्रिगर्स कवर करना है हमें, ट्रिगर्स और वर्कफ्लो एक साथ कवर करते हैं, कल कर लेंगे हम लोग ये, ठीक है। ओके, हमने कितने बजे स्टार्ट किया था लेक्चर? 12 ओके ठीक है। हाँ, वर्कफ्लोज और ट्रिगर कर लेते हैं हम लोग अभी के लिए, डेटा कनेक्शन समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग एंड करेंगे सेशन। वर्कफ्लोज और ट्रिगर होने के बाद हम लोग ना स्पार्क स्क्रिप्ट एडिटर से फिर हम लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है, एंड हाउ टू स्टोर इट, वेयर टू स्टोर इट, वो सब चीजें देखेंगे, कुछ डिपेंडेंसीज है कहाँ पे रखनी है वो सब देखेंगे, ठीक है। तो इन दिस कनेक्शंस यू कैन सी मल्टीपल ऑप्शंस लाइक मार्केट प्लेस कनेक्टर्स, कस्टम कनेक्टर्स, यू कैन क्रिएट योर कनेक्टर्स। तो ये कनेक्टर्स से ना आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ AWS के AWS में ही कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है। यू कैन कनेक्ट टू आउटर सिस्टम्स ऑल्सो, लाइक इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विथ अज्योर क्लाउड यू कैन डू दैट बाई इम्पोर्टिंग और सब्सक्राइबिंग टू पर्टिकुलर कनेक्टर, ठीक है। तो अभी के लिए तो हमें कनेक्शन बनाना है, कनेक्शन ऑप्शन इज फॉर योर इंटरनल पर्पजेस जनरली, ठीक है। तो इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ कनेक्शन वॉट आर द ऑप्शन दैट वी विल हैव अ लुक एट, लेकिन हम लोग अभी के लिए क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वॉट आर द ऑप्शन वो देख लेते हैं हम सिर्फ थियरी में लिखने के लिए। जब हम लोग RDS या फिर रेड शिफ्ट कवर करेंगे ना, will need to for demonstrating we'll have to create a connection, उस time cover हो जाएगी ये चीज। impatient मत हो जाओ कि ये चीज नहीं हुई है cover, आगे हो जाएगी, tension मत लेना। जो भी चीजें मैंने decide की है वो नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि I have track of these things with the syllabus, I have the syllabus with me, मैंने ही design किया है ये syllabus, तो मुझे पता है कि क्या चीजें लेनी है। I'll mark it also कि आई आई नो कि कौन सी चीजें ली है कौन सी चीजें नहीं ली है, ठीक है। तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं कोई चीजें, उसके बारे में टेंशन मत लेना। तो दिस यहाँ पे कनेक्शन टाइप देखो, सारी ऑप्शन अवेलेबल है, लाइक JDBC इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट टू योर ऑन प्रेम डेटाबेस, तो ऑन प्रेम डेटाबेस अगर आपको अगर क्यूरियोसिटी है ना करने की तो कर लो, JDBC में JDBC चूज कर लो, ठीक है। और यहाँ पे ना आपको यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड कर दो, ठीक है, और यहाँ पे JDBC URL भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। तो JDBC URL का ये स्ट्रक्चर है कि JDBC:protocol:host आपको आपके Oracle एप्लीकेशन, अगर Oracle को कनेक्ट कर रहे हो तो Oracle एप्लीकेशन से मिलेगा, पोर्ट नंबर मिलेगा, 1521 है शायद, 1521 ही है ना Oracle पोर्ट, और आपके डेटाबेस का नेम आएगा यहाँ पे। तो यू नीड टू फॉलो दिस पैटर्न व्हाइल प्रोवाइडिंग दिस JDBC URL, अदर ऑप्शंस आर ऑप्शनल, और हियर यू डोंट नीड टू प्रोवाइड एज सच JDBC ड्राइवर पाथ, यू कैन यूज योर क्रेडेंशियल्स, ठीक है, और क्रिएट कनेक्शन कर सकते हो। अभी के लिए मैं नहीं क्रिएट करने वाला हूँ,
ठीक है, क्योंकि हम लोग को आगे जरूरत पड़ने वाली है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं करना है। और ऐसी भी चीज नहीं है कि ये नहीं अभी किया और नहीं समझ में आया तो आगे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है, इसीलिए नहीं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, सो व्हाट आर द कनेक्शन टाइप्स ऑप्शन? RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, अमेजोन की सर्विस है, रेडशिफ्ट हमें पता है, डेटा वेयर हाउसिंग सर्विस है, डॉक्यूमेंट डीबी एक डेटाबेस सर्विस है फॉर स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, काफका एक स्ट्रीमिंग सर्विस है, हमें पता है काफका, काफका किसी ने सुना है क्या? अपाचे काफका सुना है क्या? यस सर, यस, लेकिन वो जावा में यूज होता है सर, सॉरी, जावा डेवलपर यूज करते सर काफका। सिर्फ काफका जावा डेवलपर यूज करते हैं ऐसा नहीं है, काफका एक स्ट्रीमिंग सॉल्यूशन है। लाइक हमारे AWS में ना एक किनेसिस सर्विस है, काफका एक ओपन सोर्स सॉल्यूशन है हाँ सर, प्रोवाइडेड बाय अपाचे। ठीक है, तो जैसे हम लोग बैच प्रोसेसिंग कर रहे हैं ना, तो काफका आर्किटेक्चर एक स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर। ठीक है, तो हम लोग सीखने तो वाले नहीं है स्ट्रीमिंग, क्योंकि स्ट्रीमिंग मतलब बहुत ज्यादा लेवल ऑफ आर्किटेक्चरल एक्सपर्टीज लगती है उसके लिए, जो आप इवेंचुअली आपके जॉब में जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब सीख लोगे। ठीक है, तो काफका एक स्ट्रीमिंग स्ट्रीम प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर है। ठीक है, काफका के बारे में एक बार देख लो, यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑप्शन, थोड़ी क्यूरियोसिटी बिल्ड करो कि यहाँ पे एक ऑप्शन है तो उसके बारे में एटलीस्ट 4 लाइन मुझे पता होनी चाहिए, सो दैट कोई भी कॉन्वर्सेशन का अगर मैं पार्ट वहां पे काफका डिस्कस हो रहा है, आई शुड नॉट बी ब्लैंक। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना, आपके स्टैंडअप में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपके ट्रैक के रिलेटेड ही चीजों के बारे में बात होती है। ठीक है, तो वो लोग तो डिफरेंट ट्रैक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई स्ट्रीमिंग पे काम कर रहा है, आप बैच पे काम कर रहे हो, वो काफका के बारे में बात कर रहे हैं एंड यू डोंट इवन नो अबाउट काफका, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये जस्ट बिल्ड अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस थिंग। ठीक है, जस्ट बी क्यूरियस। नेटवर्क मोंगोडीबी, मोंगोडीबी एक नोसिक्वल डेटाबेस है, ये पता है हमें। नोसिक्वल डेटाबेस पता है क्या होता है? बोलो। अरे जो भी अंडरस्टैंडिंग है बताओ यार, इतना डर डर के मत करो। मैं उस दिन बोला था मैंने, बस इतना मत डरो, बोलो क्लास में। नहीं पता है किसी को, कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। तो मोंगोडीबी भी एक ना नोसिक्वल डेटाबेस है। नॉर्मली हमारे बाकी जो डेटाबेसेस है वो रिलेशनल डेटाबेसेस है ना जैसे, तो ये जनरली रिलेशनल डेटाबेसेस आर यूज फॉर स्टोरिंग स्ट्रक्चर डेटा राइट इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स मीन्स रो एंड कॉलम। तो मोंगोडीबी जैसे डेटा सोर्सेस है ना, डेटाबेस लाइक डायनामोडीबी इज ऑल्सो अ नोसिक्वल टाइप ऑफ अ डेटाबेस, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है, नॉट इवन सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड टोटली। तो जैसे टेबल इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स एक पैटर्न है, इट डेवलप्स इट्स ओन पैटर्न नोसिक्वल डेटाबेसेस, उसके बारे में उसकी स्कीमा उसके हिसाब से उसके स्कीमाज भी डिजाइन होते हैं और उसके हिसाब से ही उसको रीड किया जाता है। ठीक है, ज्यादा इतना पता होना जरूरी नहीं है, बट इट इज गुड टू नो अबाउट नोसिक्वल। ठीक है, स्नोफ्लेक के बारे में पता है हमें? कुछ भी पता है? स्नोफ्लेक आपके सिलेबस का पार्ट है? स्नोफ्लेक मतलब एटलीस्ट क्या है बताए क्या? स्नोफ्लेक डेटा वेयरहाउस है। यस, एक इंडिपेंडेंट डेटा वेयरहाउस सॉल्यूशन है। ठीक है, स्नोफ्लेक, तो जैसे AWS में क्या है डेटा वेयरहाउस सॉल्यूशन? अभी तो बोला था यार किसी ने, शिफ्ट है AWS पे, रेड शिफ्ट है राइट। तो आजकल स्नोफ्लेक काफी यूज हो रहा है। ठीक है, रेड शिफ्ट भी है, रेड शिफ्ट का मार्केट साइज अभी भी सबसे ज्यादा है वैसे, लेकिन पीपल आर माइग्रेटिंग टूवर्ड स्नोफ्लेक बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स एज वेल एज कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो स्नोफ्लेक काफी, और उसके ना वाइडर इंटीग्रेशन भी प्रोवाइड करता है काफी, यू कैन कनेक्ट टू ऑल द क्लाउड्स एंड एफिशिएंटली डेटा लोडिंग है उसमें। ठीक है, तो आप स्नोफ्लेक पढ़ने वाले हो। ठीक है, आगे तो दीज आर द ऑप्शंस दैट आर देयर फॉर क्रिएटिंग कनेक्शंस
तो उसके हिसाब से ना, हर ऑप्शन के हिसाब से यू विल रिक्वायर सर्टेन डिफरेंट डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे देखो, आरडीएस सिलेक्ट करोगे, यू विल हैव टू प्रोवाइड जेडीबीसी यूआरएल ऑफ योर डीबी इंस्टेंस, डेटाबेस इंस्टेंस। तो ये डेटाबेस इंस्टेंस क्या होता है, आरडीएस में आप एक इंस्टेंस क्रिएट करोगे तो उसकी यूआरएल प्रोवाइड करनी पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, तो विल लुक एट इट। आरडीएस जब करेंगे, हमें आरडीएस का बेसिक डेमो ही यही है कि आरडीएस का इंस्टेंस क्रिएट करो, आरडीएस की क्रेडेंशियल से कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन से रीड करो डेटा एंड परफॉर्म ईटीएल और क्वेरी इट इन अथेरन। तो हमारा बेसिक डेमो वही रहेगा उस टाइम। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट ऑप्शन लाइक रेड शिफ्ट भी है। रेड शिफ्ट में आपको देखो, इसमें भी वही देना पड़ता है, रेड शिफ्ट क्लस्टर का यूआरएल। ठीक है, डायरेक्टली ड्रॉप डाउन ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका क्लस्टर क्रिएटेड है। ठीक है, तो और एक पेक्यूलियर चीज बतानी थी, एक पर्टिकुलर चीज है। हाँ, ये देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, क्रेडेंशियल टाइप, यूजर नेम पासवर्ड एंड एडब्ल्यूएस सीक्रेट मैनेजर। तो एडब्ल्यूएस सीक्रेट मैनेजर क्या है, एक सर्विस है एडब्ल्यूएस की जो यूज होती है सीक्रेट्स रखने की। व्हाई डू यू नीड अ सच टाइप ऑफ सर्विस और सच टाइप ऑफ थिंग, कैन एनीवन टेल? सीक्रेट सर्विस क्यों चाहिए आपको? व्हाट यू विल स्टोर देयर? सेंसिटिव डेटा, सेंसिटिव डेटा नहीं स्टोर करोगे वहां पे, सेंसिटिव डेटा आप मास्क फॉर्म में स्टोर करोगे। आप वहां पे ना क्रेडेंशियल स्टोर करोगे, क्रेडेंशियल कीज। क्रेडेंशियल्स मतलब क्या होता है? लाइक यूजर नेम पासवर्ड. यूजर नेम एंड पासवर्ड क्यों करते हैं ये बताओ, व्हाई डू यू नीड टू डू दैट? फॉर सिक्योरिटी सिक्योरिटी पर्पज, एंड एक्सेस ऑफ कंट्रोल द एक्सेस सॉरी, यस फॉर कंट्रोलिंग द एक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटाबेस. फॉर कंट्रोलिंग द एक्सेस, बट हाउ इट इज हेल्पिंग, दैट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। मतलब अगर मैंने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया तो भी तो एक्सेस तो मिल ही जाएगा। सो व्हाट एडब्ल्यूएस सीक्रेट मैनेजर कैन हेल्प यू आउट? देखो, कोई भी कोड में ना, अगर कोई चीजें जैसे आपके पासवर्ड और यूजर नेम हार्ड कोड करोगे, देर इज अ हाई चांस ऑफ लीक, राइट? मिस यूज और लीक का चांस बहुत है ना? तो दैट्स वाई यू यूज सर्टन सर्विसेज वेर यू कैन स्टोर अ सीक्रेट। एंड मतलब सॉर्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पता है आपको, पाइथन में एब्स्ट्रैक्शन की कॉन्सेप्ट पता है? एब्स्ट्रैक्शन, यस इनकैप्सुलेशन। यस सर, एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, हाइडिंग डेटा, राइट? यस हाइडिंग द सेंसिटिव डेटा, यस, दिस इज सॉर्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ओनली। यू आर एडिंग अ लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन टू प्रोटेक्ट योर सीक्रेट्स। ठीक है, तो इफ यू वांट टू यूज एंड डोंट प्रोवाइड दिस सीक्रेट्स हियर, बिकॉज इट कैन बी विजिबल टू एनीवन इन योर ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट ऑल्सो, तो यू कैन क्रिएट अ एडब्ल्यूएस सीक्रेट मैनेजर। ठीक है, उसमें एक सीक्रेट क्रिएट कर सकते हो, इतना जानने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक सर्विस है एकदम। स्टोर अ सीक्रेट, जस्ट प्रोवाइड नीड टू प्रोवाइड सर्टेन डिटेल्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्टोर, क्रिएट दिस। ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू रेफर दिस सीक्रेट हियर। या एक है सिक्वल वर्कबेंच का सीक्रेट मेरा क्रिएटेड है। ठीक है, तो आई कैन प्रोसीड विद दैट। मींस इससे कुछ समझ में आ रहा है कि मेरा क्या सीक्रेट सीक्रेट है, क्या यूजर नेम है, क्या पासवर्ड है? नहीं ना, सॉर्ट ऑफ इट इज प्रोवाइडिंग लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, राइट? जब कोड में ना, मोटो 3 में हम लोग करते हैं ना, तो क्या करते हैं हम लोग, वी डू नॉट राइट और हार्ड कोड दोज वैल्यूज। लाइक हमारी AWS एक्सेस की है, हमारी AWS सीक्रेट एक्सेस की भी होती है, राइट? तो हम लोग उस चीज को ना हार्ड कोड नहीं करते, क्योंकि अगर वो लीक हो गई ना तो बहुत ज्यादा डैमेज कॉज कर सकती है, राइट? तो टू प्रिवेंट दैट व्हाट वी डू इज, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में तो हमारा क्लास है एक एब्स्ट्रैक्शन के लिए, तो हम लोग सिर्फ उसके ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं ईच टाइम टू गेट द डिटेल्स। मतलब वहां पे अगर ऑब्जेक्ट को कॉल करके डॉट एक्सेस की, डॉट सीक्रेट एक्सेस की, इट विल
इट विल बी प्रोवाइडेड एज अ पैरामीटराइजिंग, ठीक है? तो वहां पे आपको कोड में वो कुछ नहीं दिखेगी क्रेडेंशियल, यू विल रेफरिंग इट टू सर्टन अदर क्लास, ठीक है? या फिर बहुत सारे एप्लीकेशंस है या फिर प्लेटफॉर्म्स है, लाइक ये जैसे AWS सीक्रेट मैनेजर है, वैसे वॉल्ट करके है, वॉल्ट भी एक सर्विस या एप्लीकेशन है विच इज यूज वाइडली, ठीक है? वॉल्ट में भी आप वॉल्ट का वॉल्ट की स्क्रिप्ट लिख सकते हो और वॉल्ट स्टोर्स योर डिटेल्स एंड यू कैन प्रोवाइड अ लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन टू योर कीज एंड ऑल, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस. ये पॉइंट समझ में आया क्या? व्हाट इज द नीड ऑफ एनी सीक्रेट मैनेजर और समथिंग लाइक दैट? बोलो यार, क्लास में बोलना काफी कम हो गया है, क्यों? समझ में आना कम हो गया है क्या? मतलब सेशन समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है? डू वी नीड टू चेंज एनीथिंग? यू कैन टेल मी. हाँ देखो गाइस, सिंपल बोलता हूँ मैं, अगर आप खुद पढ़ रहे हो ना एंड यू आपको अगर पता है आप पढ़ रहे हो, तो आप बोलने से डरो मत क्लास, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? नहीं पढ़ रहे हो तो डरो थोड़ा, ये तो बोल दे रहा हूँ मैं अभी, ठीक है? जैसे हमने प्रीवियस सेशन में बोला है, ठीक है? अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आई विल ड्रिल डाउन, लेकिन अगर पढ़ रहे हो ना, थोड़ा भी अच्छे से एटलीस्ट कवर कर रहे हो ना, तो डोंट शाय अवे फ्रॉम आंसरिंग सर्टन थिंग्स, ठीक है? अभी अभी अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा ना, आई विल ऑल्सो नॉट गेट इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग सर्टन थिंग्स एंड डिजाइनिंग सर्टन थिंग्स टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट कॉन्सेप्ट ऑल्सो. इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग देन आई लूज इंटरेस्ट, टू बी ऑनेस्ट. आई हैव स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट बट इट विल गो ऑन नाउ, तो आई डोंट नो. इफ यू डोंट स्पीक अप देन मैं तो फॉर्मेलिटी करने वाला हूँ, दत्ता सर को बोल के ही करूंगा फॉर्मेलिटी. आई वॉन्ट रिस्पॉन्सिव एंड क्या बोलते हैं, थोड़ा इंटरेक्टिव हो, सिर्फ ये प्रवचन के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ये चीज समझ में आई क्या? हाँ या ना में बोल दो, नहीं तो हम लोग एंड करते हैं, यस सर ठीक है? समझ में आई है AWS सीक्रेट मैनेजर क्यों यूज करते हैं, ठीक है? चलो कोई है जो समझा सकता है मुझे, मैं करेक्ट करूंगा आपको, नॉट नेसेसरीली सिर्फ दो दो मिनट या 3 मिनट के एक्सप्लेनेशन में किसी को समझ में आ जाएगा तो एक्सप्लेन कर पाएगा, लेकिन आई विल मेक अ करेक्शन टू यू, जस्ट टेक अ इनिशिएटिव एंड एक्सप्लेन टू द क्लास. आई वुड प्रिफर अगर कोई जिसने अब तक बात नहीं की है क्लास में वो बोले, हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, किसी में बोलो, बताओ बस, आई विल ट्रांसलेट इट टू अदर्स. शैल आई टेक द नेम्स? सोमेश सातलवार, कैन यू एक्सप्लेन मी दिस थिंग, व्हाई डू वी नीड एनी सर्विस लाइक सीक्रेट मैनेजर, AWS सीक्रेट मैनेजर? आई विल करेक्ट यू, नॉट एन इश्यू. इफ यू आर मेकिंग एनी मिस्टेक, आई विल करेक्ट यू. बोलो, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ फर्स्ट? यस सर हाँ बोलो बोलो, अगर नहीं भी पता है ना तो भी ट्राई करो, कुछ भी जो भी सुना है, ठीक है? बताओ क्या है, मतलब मैं, मेरा सवाल यह है कि AWS सीक्रेट मैनेजर जैसी सर्विस क्यों लगती है? व्हाई डोंट वी प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड डायरेक्टली इन द कोड? हियर तो दिस इज कंसोल, बट यू विल राइट सर्टन कोड्स, राइट? व्हाई डू यू not provide credentials directly into the code, but you need services like secret manager? ये बता दो. No, sir, I can't explain it right now. ओके, सो ठीक, चलो, नॉट एन इश्यू. देखो आपको अगर मैं अभी बताने के बाद अगर समझ में आता है तो समझा के देखो, ठीक है? तो ओके सर देखो, यूजर नेम और पासवर्ड
अगर आप कोई कोड में डायरेक्टली दोगे तो उसके ब्रीच का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। व्हाई डू, आपको पाइथन के एब्स्ट्रैक्शन की कॉन्सेप्ट पता है, राइट? राइट राइट एब्स्ट्रैक्शन में वी आर डूइंग डेटा हाइडिंग, राइट? वी आर ट्राइंग टू हाइड द डेटा एज मच पॉसिबल फ्रॉम द यूजर, ठीक है। सो दैट हमारा एप्लीकेशन जो होता है ना, मतलब जो भी अटैक अटैक से मतलब बचा सकते हैं हम लोग, जो भी एक्सटर्नल अटैक्स लाइक मालवेयर अटैक्स होते हैं, ठीक है। द मोर द डेटा इज एक्सपोज, इट इज इजियर टू हैक इट, सिंपल है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू प्रिवेंट स्पिलिंग योर सीक्रेट्स टू हैकर्स एंड ऑल, देर आर सर्टन सर्विसेस दैट आर देयर, लाइक सीक्रेट मैनेजर AWS का, या आर सर्विसेस लाइक वॉल्ट दैट प्रोवाइड्स यू दैट सिक्योरिटी फॉर योर क्रेडेंशियल्स, एंड दे प्रोवाइड अ सर्टन URL सॉर्ट ऑफ थिंग टू बी यूज वेर एवर यू रिक्वायर इट, ठीक है। इफ यू गो हियर, सो दिस थिंग, वॉट डू दे कॉल दिस, या दिस इज सीक्रेट नेम। तो यहाँ पे हमने सीक्रेट नेम दे दिया, आपके एक्चुअल सीक्रेट वहां पे स्टोर्ड है। तो वॉट इट डज इज, वेन एवर दिस मेक्स अ रिक्वेस्ट, देर आर सर्टन कीज एंड ऑल, ठीक है, वो एक्सचेंज होते हैं, तब भी सीक्रेट आपके एप्लीकेशन को मिलता है। तो दैट यू डोंट रिक्वायर टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट। हम लोग अगर आगे जरूरत पड़ती है तो सीक्रेट मैनेजर को एक हद सीक्रेट इनेबल करके यूज करके देखेंगे, ठीक है। तो आप अब भी समझा सकते हो क्या मुझे, कि मैंने जो भी चीजें समझाई? तो सर आई मीन सीक्रेट मैनेजर इट बेसिकली गिव्स यू पासवर्ड फॉर योर डेटाबेसेस राइट मतलब क्रेडेंशियल स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज देता है। ओके ओके यस, वेन एवर यू वॉन्ट टू प्रोवाइड सर्टन क्रेडेंशियल्स इन अ कोड, ठीक है, तो यू डोंट वॉन्ट टू राइट इट डायरेक्टली इन द कोड, लाइक आपका नाम क्या है, सोमेश है सोमेश ना, सोमेश यस आपका यूजर नेम सोमेश एट BW है, ठीक है, आपका पासवर्ड सोमेश एट 1234 है, ठीक है। यू डोंट वॉन्ट टू शेयर दैट पासवर्ड इन अ पर्टिकुलर कोड, ठीक है। ओके तो वॉट आई कैन डू इज, आई कैन क्रिएट अ सीक्रेट इन AWS सीक्रेट मैनेजर विच हैज दिस डिटेल्स लाइक योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, बट आई एम नॉट डायरेक्टली गिविंग इट टू द कोड, ठीक है। तो मैं क्या दे रहा हूँ वहां पे, मेरे सीक्रेट का URL या सीक्रेट का नेम। सो इट विल मेक, जब आपका कोड वो सीक्रेट को एक्सेस करता है ना, इट मेक्स अ रिक्वेस्ट टू AWS सीक्रेट मैनेजर टू फेच द क्रेडेंशियल्स फ्रॉम इट, वो सीक्रेट के जो भी क्रेडेंशियल्स है वो फेच करता है। अभी समझ में आया? यस यस सर बाकी लोग समझ में आया अभी? यस सर यस यस सर चलो ठीक है। तो ये बस इसमें एक एडिशनल चीज एटलीस्ट हमें दिखी तो हम लोग वो डिस्कस कर पाए, ठीक है। सो विल नॉट क्रिएट दिस कनेक्शंस नाउ, ओके। तो हम लोग कब क्रिएट करने वाले हैं बताओ? आर यू गाइज लिसनिंग द सेशंस, मतलब अटेंटिव हो क्या सेशन में? सर एक मुझे सर बोली थी आपने अभी उसका नाम याद आ रहा लेकिन उसमें रेडशिफ्ट उसमें रेडशिफ्ट रेडशिफ्ट के टाइम पे यस हाँ यस उस रेड टाइम शिफ्ट क्रिएट के करने टाइम पे वाले याद हम है, राइट? यस, ओके, ठीक है, चलेगा, मतलब ध्यान दे रहे हो, ठीक है। चलो फिर अभी तो कितने लोगों ने VPC कवर किया है, जो भी छोटी मोटी चीजें है उसमें, VPC, सबनेट, इंटरनेट गेटवे कर लिया है क्या थोड़ा बहुत कवर? VPC डिड यू गेट यस टाइम सर फॉर, यस किया है ना? सर ओके कितने लोगों ने किया है, हैंड रेज कर। सर पार्शियली हुआ है वो तो भी करो क्या एंट्रेंस देखिए करो करो, मतलब आपने एफर्ट तो डाले है ना कुछ, एटलीस्ट यू हैव गॉन थ्रू सर्टेन वीडियो, और यू हैव ओपन VPC, एटलीस्ट VPC क्या है और सबनेट क्या है उतना भी हो गया होगा, तो भी करो है। ठीक है, काफी लोगों ने स्टार्ट तो किया होगा, मतलब आई एम अज्यूमिंग 50 लोग हैंड रेस कर रहे हैं, मतलब
20-25 लोगों का पूरा कंप्लीट हुआ होगा, बाकी लोग इन प्रोसेस है, ठीक है, दैट इज ओके विद मी। समझ में आ रहा है वीडियो से क्या है वीपीसी वगैरह? बाकी लोग आप कवर कर लो, और जिन लोगों ने हैंड रेस किया है वो भी ना थोड़ा रिवाइज कर लो। मैं ना थोड़े क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ नेक्स्ट सेशंस में उसके बारे में, वीपीसी के बारे में, ठीक है, वीपीसी सर्विस के बारे में, जस्ट टू लेट यू नो कि थोड़ा रिवाइज कर लो उसके बारे में, जो भी क्वेश्चन पूछूंगा बेसिक क्वेश्चन एकदम जो भी होंगे क्योंकि हमारी उतनी नीड नहीं है उसके डीप में जाने की, तो मैं इन डेप्थ क्वेश्चन भी नहीं पूछूंगा, एकदम सिंपल टू द डेफिनेशन क्वेश्चन पूछूंगा उसके, ठीक है। आई लास्ट 4-5 क्वेश्चन, सो सो इन ऑर्डर टू गेट टू नो कि आपको वो समझ में आई है, ठीक है। चलो आज के लिए रुकते हैं यहाँ पे, कोई डाउट्स वगैरह है किसी के? आई विल स्टॉप शेयरिंग एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑल्सो, देन वी स्टार्ट विद डाउट्स।